inverse. Two x upon one minus x square with respect to sine inverse two x upon one plus x square. A for B. अब प्लस वन वाला फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पे साइन टू थीटा एट टैन टू थीटा. टैन वाला क्या फॉर्मूला होता था? टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा. साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता था? टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा. यानी कि एक्स को क्या आप करोगे, जब भी वन प्लस वाली फॉर्म होती है मोस्टली आपका जो एक्स है वो क्या पुट किया जाता है टैन. Put x is equal to tan theta and then set. Theta kitna aa jayega? Tan inverse x. Ab kya baaki hai? Isko become tan inverse. Now you will find out its derivative. क्या डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स का? वन अपॉन वन प्लस एक्स. तो दिस विल बी टू अपॉन वन प्लस एक्स. बी का आप किस तरीके से करूं? साइन इनवर्स टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा. तो दिस इज साइन टू थीटा. साइन इनवर्स टू टैन इनवर्स एक्स को टैन थीटा को किया तो इसलिए आपका वो रूट वाला नहीं. Now find du by dt. Cancel out the thing. It will give you 1. 2 upon 1 plus x square divided by 2 upon 1 plus x square. Here dv by dt is. Here du by dx. So du by dt is 1. Now write down the next one. For inverse 1 minus x upon 1 plus x. 11. Cot inverse differentiate cot inverse 1 minus x upon
1 plus 6. अब पॉट है तो पॉट इन वर्ब्स है बाहर, तो पॉट में टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स को क्या पुट करोगे, तो क्या पुट करना है, क्या आएगा? टेन पुट किया नाउ किसका? किसका फॉर्मूला है? 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा. नेक्स्ट, टेन को कन्वर्ट करना है कॉट में, कैसे करेंगे? टेंथ में किया हुआ है कन्वर्जन. हाँ जी, तो क्या बन जाएगा? कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी 5/2 माइनस 5/4 प्लस थीटा. थीटा टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा. क्या आंसर आ जाएगा? 1 upon 1 plus x square. चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ. बेटे टेन ये वाला फॉर्मूला होता है, tan 45 माइनस थीटा इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. तो मुझे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा राइट हैंड साइड गिवन थी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली. अब tan को cot में कन्वर्ट करना है, tan थीटा जब cot में कन्वर्ट करते हो तो दैट इज क्या लेके चलते हो, cot ऑफ 90 माइनस थीटा. तो tan को cot में किया, cot ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह ये पूरा आ गया, देन साइंस ओपन करके cot inverse और cot आपका cancel out and you are left with this. Next, find the derivative of y is equal to tan inverse 1 plus x square under the root. चलो सक्षम, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर वाली टर्म्स बन सकते हैं. टैन पुट करें फिर से, करो क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा योगदान दीजिए इधर, आगे आ जाओ यहाँ पे, मुझे दिख नहीं रहा आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं. यू आर डूइंग सम अदर वर्क आई थिंक, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा मुझे, तो इट मींस यू आर नॉट अटेंटिव एट ऑल. आगे आ जाओ उधर से. हाँ तो जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. हाँ जी आप बताओ आपका क्या आया है. हाफ ऑफ बोलो भाई, क्या करें? 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है?
सीकेंट स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीकेंट थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब कन्वर्जन कर लो साइन कॉस में, एलसीएम लो, अब इसको चेंज करना है हमने टेन की टर्म्स में, तो वन माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वन माइनस कॉस थीटा इज टू कॉस टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, और साइन थीटा में भी जब हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो दैट विल बी टू साइन थीटा बाय टू एंड कॉस थीटा बाय टू। तो साइन वाली टर्म्स कैंसिल होके आपका ब्रैकेट के अंदर टेन वाली टर्म बन जाएगी। टू साइन थीटा बाय टू आपका कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद साइन थीटा बाय टू एंड कॉस थीटा बाय टू। मोहक पता लग गया हाफ कहां से आ रहे हैं, सो दिस इज टैन इनवर्स टैन थीटा बाय टू, सो वी आर लेफ्ट विद थीटा बाय टू दैट इज हाफ ऑफ थीटा। अब थीटा को हमने टैन इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर देना है क्योंकि एक्स को हमने टैन थीटा पुट किया था, सो दिस इज हाफ ऑफ टैन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव हाफ ऑफ वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। Find the derivative of y is equal to हाँ जी, एक x है एक रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, जब इस तरीके से है एक x बनता है दूसरा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, तो क्या किया था अभी इस तरह का करके हटे हैं। हाँ जी, साइन या कॉस में इसको पुट कर लो, तो पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, साइन के कॉस बोलो। हाँ जी क्षितिज क्या सोचने बैठ गए, चलो कॉस थीटा अगर मैंने इसको पुट किया तो ये बन गया फाइव बाय थर्टीन कॉस थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट विल बी साइन थीटा। अब इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, इसके बाहर साइन इनवर्स है, हियर वी आर हैविंग साइन इनवर्स। अब मुझे ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करके इसको क्या बनाना है, साइन, तो फाइव अपॉन थर्टीन ट्वेल्व अपॉन थर्टीन, फाइव थर्टीन एंड ट्वेल्व आर फॉर्मिंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो टी रेशियोज हम यहाँ पे वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, किसमें ये चार टर्म्स गिवन है मुझे, अगर मैं देखूं तो चार टर्म्स से मैंने अभी इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने, साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, प्लस है तो साइन ऑफ ए प्लस बी बनेगा। अब यहाँ कॉस थीटा वाली टर्म है तो फाइव बाय थर्टीन को मैं क्या पुट करूं, क्या पुट करूं,
मुझे साइन अंदर फॉर्मूला किसका बनाना है, साइन का बनाना है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाली फॉर्म बननी चाहिए। तो इसको 5/13 को मैं क्या पुट करूंगी, कॉस है मेरे पास तो साइन की टर्म्स में पुट करना पड़ेगा, तो लेट दिस बी साइन अल्फा कॉस थीटा, 12/13 कॉस अल्फा हो जाएगा। ये प्लस 10th वाला कंसेप्ट था आपका। ट्राइंगल लॉ लगा के कॉस अल्फा आ गया आपका 12/13। चलिए अब नेक्स्ट, अब इससे आगे आप कर सकते हो। हाँ जी, हाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा। अब अल्फा प्लस थीटा, अल्फा क्या है, एंड थीटा अब इसका डेरिवेटिव ले लो, साइन इनवर्स 5/13 का डेरिवेटिव विल बी जीरो, कांस्टेंट टर्म हो गई है तो इट विल बी जीरो, एंड कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विल बी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी योर आंसर। ये वाला ये स्टेप क्लियर है। अब देखो 5/13 और 12 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, बाहर मेरे पास साइन इनवर्स है, ये दो का प्रोडक्ट प्लस फिर दो का प्रोडक्ट, जब इस तरह से होता है और ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा होता है, तो हम बाहर साइन इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए अगर मैं इसको साइन पुट कर दूं, तो इसको मैंने अगर साइन पुट किया तो आपको ये ट्राइंगल्स का पता है, ये 5 है, ये 13 है, ये 12 है, तो बेस अपॉन हाइपो विल गिव मी कॉस, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये वाला साइन कैंसिल आउट हो जाएगा उससे, तो ये मैंने पुट किया यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस थीटा रह गया, साइन अल्फा 5/13 था तो अल्फा साइन इनवर्स 5/13 आ गया, कॉस थीटा एक्स था तो थीटा कॉस इनवर्स एक्स था। अब ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 ठीक है। हाँ जी, जहां पे भी, हाँ जी वहां ऐसे, हाँ जी वो देख लेना कि बाहर अगर कॉस इनवर्स होगा तो फिर आप इसको कॉस पुट करोगे, ताकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला बने। चलो अब एक खुद करो आप लोग, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस वन, अब जरूरी नहीं है वो, ये वाला क्वेश्चन आपका इसी मेथड से होगा जो मैं दे रही हूं। कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यहां माइनस है यहां प्लस है, इफ वाई इज इक्वल टू दिस देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स।
क्या करेंगे? किसको मैंने क्या कहा जरूरी नहीं है इसी मेथड से होगा? सिंपल है, अगर ध्यान से देखो तो x माइनस वन है, x प्लस वन है, x प्लस वन है, x माइनस वन है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल। यहाँ क्या है? कॉसेक इनवर्स। कॉसेक का रेसिप्रोकल किस किस फॉर्म में लेते हो? कॉसेक इनवर्स। हाँ साइन, वन बाय एक्स हो जाता है। और साइन इनवर्स सेम एंगल्स प्लस कॉस इनवर्स, जब सेम एंगल्स होते हैं तो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज पाई बाय टू। तो वहां से पाई बाय टू का फिर आपको डेरिवेटिव लेना है, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि, मतलब ये नहीं कि इस तरह का है, ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि वो पुट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यू हैव टू बी वेरी कीन विजिलेंट। So this is cosec inverse x, sin inverse 1 by x होता है, तो मैंने इसको sin inverse, इसका reciprocal x minus 1 upon x plus 1, cos inverse x minus 1 upon x plus 1। अब यहाँ देखो कि ये चीज आपकी सेम आ रही है, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म sin inverse theta plus cos inverse theta which is pi by 2, तो इसका derivative is 0। अब नेक्स्ट ये करके दिखाओ मुझे, सेकेंड इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। एट एक्स इज इक्वल टू हाफ मतलब डेरिवेटिव निकालने के बाद जहां आपका एक्स होगा वहां आप हाफ पुट कर दोगे। करो, हरी अप।